नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए चलते हैं चूल्हे के पास, वहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। और वीडियो को हमारे आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे के पास। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और कम सामान और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो बालूशाही बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इलायची लिया हुआ है 10 पीस, यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने नमक लिया हुआ है, 100 ग्राम नारियल बुरादा है, अमूल दूध पाउडर है, बेकिंग सोडा है, और यहाँ पे हमने 3 पाव मैदा लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 1 किलो चीनी लिया हुआ है। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को सनी से छान लेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो मैदे में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसे छन्नी से पूरी तरह से छान कर साफ कर लेंगे। आप सब देख सकते हैं मैदा बिल्कुल फ्रेश है, इसमें बिल्कुल कीड़े नहीं हैं। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, भगोने को हम रखेंगे चूल्हे पर। और भगोने में हमने 1 किलो चीनी लिया हुआ है, तो इसमें हम 1/2 लीटर पानी डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो 1/2 लीटर पानी हम चीनी में डाल देते हैं। तो पानी को हमने डाल दिया है, अब चीनी को हम चलाते हुए गला लेते हैं। तो जब तक हमारी चीनी गल रही है तब तक हम इलायची का पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खलबट्टे में इलायची और चीनी डाला हुआ है पाउडर बनाने के लिए। इलायची का पाउडर हमने बना लिया है। अब आइए चाशनी को हम एक बार देख लेते हैं। चीनी हमारी गलने वाली है। और बालूशाही बनाने के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो जब तक हमारी चाशनी घर पक रही है तब तक हम मैदे की एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं बालूशाही बनाने के लिए। तो मैदे में हम मिलाते हैं नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने से बालूशाही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और इसमें चाशनी भी बहुत ही अच्छे से घुस जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो आप लोग जब भी बालूशाही बनाएं तो उसमें नारियल का बुरादा ज़रूर डालें। तो बुरादे को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर हमने इसलिए डाला हुआ है ताकि हमारे जो है बालूशाही का टेस्ट बहुत अच्छा लगे, और क्योंकि इसमें हमने दूध नहीं डाला हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला हुआ है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडे को हम मात्र 1 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डालने से बालूशाही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इलायची पाउडर को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी नमक। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदे में अब हम डालेंगे 100 ग्राम रिफाइन ऑयल। और रिफाइन ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा बालूशाही बहुत खस्ता हो, खाने में बहुत अच्छा लगे दोस्तों, मुलायम हो। तो रिफाइन ऑयल को हम मैदे में अच्छे से मिलाते हैं। तो 3 पाव मैदे में 100 ग्राम रिफाइन ऑयल हमने डाला हुआ है ताकि हमारी बालूशाही मुलायम हो, खाने में खस्ता हो दोस्तों, और चाशनी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से घुसे। तो रिफाइन ऑयल को अच्छे से हमने मैदे में मैश कर दिया है। अब चलिए पानी को डालकर आटे को हम गूंथ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और मैदे को हम गूंथते जाएंगे। एक साथ में पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आटा हमारा गीला ना हो। थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं। तो आटे को हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए और बालूशाही हमारा बहुत ही अच्छे से बने। चाशनी को हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि 1 तार की चाशनी बन रही है। तो चाशनी हमारी गाढ़ी और 1 तार की हो गई है बालूशाही बनाने के लिए। तो चलिए चाशनी को हम नीचे उतार लेते हैं। बीस मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाते हैं। तो यहाँ पे हमने चौका लिया हुआ है, चौके पर हम आटे को अच्छे से गूंथेंगे। मैदे को हमने बहुत ही अच्छे से
मैश कर लिया है, इसे हम भगोने में रख देते हैं और चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई बालूशाही बनाने के लिए। तो कढ़ाई में हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो बालूशाही बनाने के लिए बिल्कुल धीमी आंच में हम तेल को हल्का सा गर्म करेंगे। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से हम मैदे को तोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लंबा आकार में बना लेंगे। उसके बाद हम रोटी जैसा लोई इस तरह से तोड़ तोड़ कर रख लेंगे बालूशाही बनाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 पीस यहाँ पे हमने बालूशाही बनाने के लिए लोई को बनाया हुआ है। तो एक लोई को हम गदोरियों पर इस तरह से रखेंगे और दूसरी हाथों से हम इस तरह से घुमाते हुए गोलाकार में इस तरह से बनाएंगे ताकि थोड़ा लेयर बन जाए। और इस तरह से गोल बनाकर बीच में थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो आप सब देख सकते हैं कि ये बालूशाही का पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी बालूशाही का पीस बनाते हैं। तो इसे भी हथेलियों पे रखकर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए, तो आप सब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है लेयर बन रहा है बालूशाही पे। तो इसके बीचों बीच हम उंगली को इस तरह से धंसा देंगे। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा बालूशाही हमारा बन रहा है। इसमें लेयर भी बहुत ही अच्छे से बना हुआ है और इसी तरह हमें सारा बालूशाही बनाकर रख लेना है। तो तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। अब बालूशाही को हम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। बालूशाही को फ्राई करने के लिए आँच को बिल्कुल धीमी रखना है। अगर आँच तेज हो जाएगी तो बालूशाही हमारी अंदर कच्ची रह जाएगी और पूरी तरह से हो नहीं पाएगी। तो बिल्कुल धीमी आँच पे इसे हमें फ्राई करना है। तो एक एक करके हम सारे बालूशाही को तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। बालूशाही को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और आप सब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ऊपर आ रहा है फूलकर। तो इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो सारे पीस को हमने दूसरी तरफ पलट दिया है। तो बालूशाही को हमने दूसरी तरफ पलट दिया है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि कितने फूले फूले कितने अच्छे से बालूशाही हमारे तेल में फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल खस्ता बिल्कुल मुलायम हमारा बालूशाही बनकर तैयार होगा। तो बालूशाही को हम 1 मिनट तक और पकाएंगे धीमी आंच पे और ताकि अंदर तक बालूशाही हमारी पूरी तरह से हो जाए, बिल्कुल कच्चा ना रहे। तो आप लोग को ध्यान यही देना है कि आँच को बिल्कुल धीमी रखना है, धीमी आँच में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है ताकि अंदर और ऊपर अच्छे से बालूशाही हमारी दोनों तरफ पक जाए और खाने में टेस्टी हो। 1 मिनट हो गया है और आप सब देख सकते हैं कि बालूशाही हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। देख सकते हैं कि लेयर कितना अच्छे से जो है पता चल रहा है। बहुत मुलायम बहुत खस्ता बालूशाही हमारा बनकर तैयार होगा। तो इधर चलिए हम बालूशाही को चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी हमारा हल्का गुनगुना है, चाशनी में हम बालूशाही को डाल देते हैं इस तरह से। तो आप सब देख सकते हैं कि चाशनी बहुत ही अच्छे से बालूशाही के अंदर घुस रही है। आप सब देख सकते हैं, आप सबको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो 2 मिनट बाद हम बालूशाही को दूसरी तरफ पलट कर फिर दिखाएंगे आप सबको। तो चलिए बालूशाही को हम दूसरी बार फिर फ्राई करते हैं तेल में। तो धीमी आंच में बालूशाही को हम तेल में डाल देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इसे भी हमें धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो सारे पीस को हमने दूसरी तरफ पलट दिया है। अब चलिए धीमी आंच में इसे हम पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो गया है और बालूशाही को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं, उस तरफ भी चाशनी अच्छे से सोख ले। तो सारे पीस को हमने दूसरी तरफ पलट दिया है। इधर आप देख सकते हैं कि चाशनी में बालूशाही हमारी पूरी तरह से डूब गई है। बहुत ही अच्छे से चाशनी अंदर सोख लिया है। तो ये एक बालूशाही निकाल कर आप सबको दिखाते हैं कि आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर कितना अच्छे से बालूशाही हमारी बनकर तैयार है। तो चाशनी से बालूशाही को हम निकाल कर एक भगोने में रखते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये भी बालूशाही हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे भी निकाल कर हम चाशनी में डाल देते हैं और बिल्कुल इसी तरह हम सारा बालूशाही बनाकर रख लेते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह हम 2 मिनट बाद इसको भी दूसरी तरफ पलट देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब बालूशाही को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। सारे बालूशाही को हमने फ्राई कर लिया है। तो सर्व करने के लिए एक थाली में निकाल देते हैं और आप सब देख सकते हैं कितना मुलायम और कितना खस्ता हमारा बालूशाही बनकर तैयार है। तो आज मैं जिस तरीके से बालूशाही बनाना बता रही हूं, तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि खाने में दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक एक करके हम सारे बालूशाही को थाली में रख देते हैं। तो सारे बालूशाही को हमने थाली में निकाल दिया है। अब बालूशाही के ऊपर से हम गार्निश करते हैं और यहाँ पे हमने नारियल बुरादा को येलो कलर से रंगा हुआ है। थोड़ा नारियल बुरादा सादा रखा है, थोड़ा थोड़ा हम नारियल बुरादा इस तरह से डालते जाएंगे। तो सारे पीस में इसी तरह हम नारियल बुरादा डाल देंगे। तो नारियल बुरादा हमने डाल दिया है और यहाँ पे हमने नारियल बुरादा को येलो कलर से कलर किया हुआ है। तो चलिए ऊपर से हम इसको भी गार्निश कर देते हैं, ताकि हमारा रस भरी जो है बालूशाही देखने में अच्छी लगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से बालूशाही के बीचों बीच रखते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सब देख सकते हैं कि बालूशाही हमारी देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही है, और जितना यह देखने में अच्छी लग रही है उसे कई गुना खाने में टेस्टी होगी। तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से बालूशाही एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी है। रस भरी खस्ता बालूशाही हमारी बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।